तो जय हिंद नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग के लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन बैंक, साइंस का क्वेश्चन बैंक। जैसा आप सभी को पता है कि आपका लगभग 80% क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए सबसे पहले क्या करता है, आपको क्वेश्चन बैंक ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यह हमारा जो नया साइंस का क्वेश्चन बैंक है, यह क्वेश्चन बैंक हमारा 2011 में है ना, 2011 में पूछे गए प्रश्न को हम लोग सोल्व करने में, जितना ऑब्जेक्टिव इसमें होगा ना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट और एकदम सही आंसर देंगे, ठीक है। तो और मेरे बच्चों, आप चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ना क्वेश्चन बैंक को, मेरे बच्चों क्वेश्चन बैंक को जो है ना, क्वेश्चन बैंक को जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका 80+ आपका जो है 80% से प्लस आपको क्वेश्चन जो है ना, आपको क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन में जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताइए कि अक्रिय तत्व कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व की बात करें बच्चों, तो आपका 6 अक्रिय तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए आपका तो पहला यहां पे वो हीलियम तो है, वे क्या है, एक आपका हो जाएगा हीलियम, क्या हो जाएगा हीलियम, जिसका संकेत आपका HE होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है नियॉन, ठीक है, जिसको हम लोग NE कहते हैं। उसके अगला होता है हमारा आर्गन, आर्गन इसका संकेत होता है AR होता है। और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आर्गन का जो होता है परमाणु संख्या यहाँ पर होता है 18 होता है, ठीक है ना। जो मेन सब है वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। और अगला आपका जो होता है वो क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन यानी कि KR इसका संकेत होता है, ठीक है। उसके बाद अगला होता है जेनॉन, क्या होता है जेनॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं XN कहते हैं। और छठा जो होता है वो आपको होता है रेडॉन होता है, रेडॉन इसका संकेत होता है RN। तो याद रखिएगा कि अक्रिय तत्व कितने होते हैं, अक्रिय तत्व आपका 6 होते हैं, ठीक है। और 6 का नाम आपको हम लिख दिए हैं। और बता दूं आपको, अक्रिय तत्व जो है या कैसा किस वर्ग का तत्व है, ध्यान दीजिए, जितने भी अक्रिय तत्व होते हैं ना, जितने अक्रिय तत्व है सभी का सभी शून्य वर्ग का तत्व है, शून्य वर्ग का तत्व है, याद रहेगा। जितने अक्रिय तत्व है प्यारे बच्चों, सब का सब क्या है हमारा शून्य वर्ग का तत्व है, सब इसे क्या अक्रिय तत्व है। यही आपका हीलियम गैस जो है ना, हीलियम गैस आपका जो है ना विद्युत बल्ब में भरा जाता है, ठीक है। अक्रिय को निष्क्रिय भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या अनुपात क्या होगा। देखिए जल में, जल आपका हो गया H2O, इसमें हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आपका परमाणु संख्या कितना है इसका 2 है, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है इसमें 1 है, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। अब निकालना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, यानी कि H अनुपात O, तो H हमारा हो गया 2, O हमारा हो गया 1, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी कि जल में, मेरे बच्चों यह जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह आपका हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में आवर्त आपका 7 होता है। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, दोनों में से आपका ना प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए पक्का आपको मिलेगा। तो आवर्त सारणी में आपका आवर्त जो होता है आपका 7 होता है, लेकिन आवर्त सारणी में वर्ग की बात करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, याद रहेगा कितना होता है 18 होता है। अगला है कि सिलिका क्या है, तो देखिए सिलिका आपका उपधातु होता है, क्या होता है उपधातु, क्योंकि सिलिका जो है, सिलिका जो है ना सिलिकॉन, ध्यान दीजिएगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है हमारा सिलिका बनता है, और सिलिका क्या हमारा एक
उपधातु है, ना ही धातु है ना अधातु है, क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सवाल है कि बॉन्ड ओ एच बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? इनमें से यानी कि यह जो है ना आपका एल्डिहाइड मूलक है। किसका? यह जो है ना किसका है? एल्डिहाइड का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि बच्चों प्रकृति में जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वह ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? यानी प्रकृति में जो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका संतुलन कौन बना कर रखता है? तो वह हमारा होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए कि रात में प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर नहीं होता है? रात में प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की क्रिया होती है या फिर नहीं होती है? तो मेरे बच्चों रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना वह जो है ना आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और रात में तो आपका चंदा बाबा रहता है, सूर्य बाबा तो रहता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो ध्यान देना है कि रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है नहीं होती है? बोलना है नहीं होती है। और एक खास बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पौधे जो है ना, पौधे दिन में, ध्यान दीजिएगा जितने पेड़ पौधे हैं, पौधे दिन में, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? पौधे दिन के समय में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन ठीक रात में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। रात के समय में क्या होता है? रात में पौधे पता क्या करता है? रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। रात में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम मानव लोग क्या करते, जितने जीव जंतु हैं क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए जब एटीपी ऊर्जा टूटता है ना, उसमें आपका 3.5 जूल ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। अब यही से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। सीधा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों, ऊर्जा का मात्रक जो है वह आपका जूल होता है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जितना मात्रक होता है ना, आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आपका मात्रक से संबंधित यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। एक नहीं, आपका दो क्वेश्चन भी आता है। अगला है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि मानव हृदय जो है, या हृदय दिल जो है, या कितने पार्ट में बटा हुआ है? प्यारे बच्चों मानव हृदय जो है वह आपका 4 कोष्ठकों में बटा होता है। अब वह कोष्ठक कौन कौन है गुरु जी? तो सुन लीजिए, एक आपका होता है दाया अलिंद, दूसरा होता है दाया नीलय, ठीक है, तीसरा होता है आपका बाया अलिंद, और चौथा जो पार्ट होता है वह हमारा होता है बाया नीलय। तो हमारा जो हृदय होता है, मानव हृदय जो है, वह 4 भाग में बटा होता है। कौन कौन? दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, तो बाया नीलय, 4 भाग में बटा होता है। और ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि हमारा हृदय तो 4 भाग में बटा हुआ हो गया, यदि क्वेश्चन आ जाए कि मानव का मस्तिष्क जो ब्रेन है या दिमाग, या कितने भाग में बटा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव मस्तिष्क जो है यह आपका 3 भाग में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारा ब्रेन जो है वह 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, और हमारा हृदय जो है यह 4 भाग में बटा होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? देखिए मानव का जो प्रकुंचन दाब होता है, जो औसत उसका जो ब्लड प्रेशर दाब होता है, वह होता है आपका 120 बटे कितना होता है? 80 होता है। यदि प्रकुंचन दाब पूछेगा आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां पूछा गया प्रकुंचन दाब कितना होता है, हो जाएगा 120, मतलब
हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, वह किस भाग में होता है? यह हमारा होता है पत्ता में। किसमें? पत्ता में होता है। आखिर पत्ता में वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है बच्चों? पत्ता में वाष्पोत्सर्जन इसलिए होता है कि पत्ता का जो सतह होता है ना पत्तिया का जो सतह होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे ऑस्टोमाटा कहते हैं। जब ऑस्टोमाटा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है अर्थात पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑस्टोमाटा का द्वार क्या होता है? खुल जाता है। जब ऑस्टोमाटा का द्वार खुलता है तब वहां से जो पौधा का पानी जो होता है जिसको लोग वाष्प कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं रोमा टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टोमाटा। याद रहेगा क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्टोमाटा कहते हैं। क्लियर है सबका? और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बताइए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा पत्तियों का जो रंग हरा होता है ना, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो पत्तियों का रंग हरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और जहां क्लोरोफिल नहीं रहेगा वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्ष किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से मतलब रक्त से अपहरण के द्वारा पृथक करता है, मतलब शरीर से अलग करता है? वो हमारा होता है नाइट्रोजन। तो कृत्रिम वृक्ष जो होता है यह क्या करता है? शरीर में रुधिर से जो है नाइट्रोजन पदार्थ जो होता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, उसको शरीर से क्या करता है? बाहर कर देता है पंप के द्वारा। अगला है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होता है, यानी कि हाइड्रा में प्रजनन जो है ना किस विधि से होता है? उसमें आपका होता है हाइड्रा में जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है? मुकुलन होता है। क्या होता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। चलिए अगला हमारा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होगा? तो देखिए किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू कहते हैं। आपका होता है साइन आर होता है। और अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा बताइए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो है ना मात्रक विहीन भौतिक राशि होता है, ऐसा कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपका अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। और अपवर्तनांक का आपका एक क्वेश्चन आएगा पता है, ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन वो है, वो क्वेश्चन आपका है कि बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? पहले बच्चों आप सभी को पता है कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका होता है 2.42। क्या होता है जी? 2.42 आपका हीरा का अपवर्तनांक होता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन आपका पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का होता है मेरे बच्चों 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? मेरे बच्चों दाढ़ी बनाने में जो शेविंग करते हैं ना उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब देखिए आपको बता दूं कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। तो पहला देखिए आपका तो यहां हो गया दाढ़ी बनाने में, इसमें दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका क्या होगा कि जो सौर भट्टी होता है ना, यानी कि सौर कुकर में इसको आप लोग बोल सकते हैं सौर भट्टियों में। उसके बाद आपका होता है सौर प्लेट जिसको हम लोग सोलर प्लेट कहते हैं। उसके बाद जो है ना डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक कान दांत इत्यादि जांच करने में, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पता है क्या होता है?
वह गाड़ी के जो है ना, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे याद रख लीजिए, कहीं से क्वेश्चन पूछा आप आसानी से को बता सकते हैं कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो दाढ़ी बनाने में होता है, उसके बाद सौर कुकर में होता है, उसके बाद सौर प्लेट में होता है, उसके बाद सौर भट्टियों में होता है, उसके बाद आपका डॉक्टर के द्वारा जो ना, जो डॉक्टर लोग होते हैं जो रोगियों का कान नाक जो चेक करता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में भी क्या, हेडलाइट का मतलब अग्रदीप, जो अगला बल्ब बढ़ता है ना, तो गाड़ी के हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम देखिए, जब श्वेत प्रकाश को, यार बच्चों श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में गुजारा जाता है तो यह जो है ना सात रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? सात रंगों में बढ़ जाता है। और इन रंगों को एक पट्टी पे उतारा जाता है, एक पट्टी पे उतारा जाता है, इसी पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस पर जो है ना सबसे अधिक झुकाव जो होता है, नीचे वाला जो रंग होता है, नीचे वाला रंग दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा बैगनी होता है। बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और ऊपर में जो होता है बच्चों वो हमारा लाल होता है। तो लाल का झुकाव कम होता है लेकिन बैगनी सबसे नीचे होता है, तो बैगनी वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल का क्या होता है, कम होता है। तो सवाल था कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो देख लीजिए क्या है, बैगनी है। तो बैगनी वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है। यदि क्वेश्चन पूछा आपसे कि किस वर्ण का झुकाव सबसे कम होता है, तो बताना है सर जी लाल वर्ण का झुकाव क्या होता है, इसका झुकाव कम होता है। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज जो है ना हमेशा गर्म होता है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला है क्या, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध, बच्चों प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपका होता है, यह होता है भी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर आई आर। किस ऑप्शन में है? भी बराबर आई आर किसी में है? अच्छा आर से है। अगर हम इसको इधर करेंगे ना तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रतिरोध है ना, आर बराबर आपका होता है भी बट्टे, सही था, हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है ना। तो चलिए आई बराबर आपका होता है भी बट्टे आर, ठीक है, आई बराबर भी बट्टे आर होता है। तो अगर यहां निकाले तो हमारा आर यहां पे हो जाएगा, भी यहां और आई हमारा यहां आ जाएगा, तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टे आई हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें है? भी बट्टे आई, भी बट्टे आई हमारा ऑप्शन जो है ना सी में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रतिरोध से हमें याद आ गया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बच्चों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना वो आपका होता है ओम होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ये तो आपका प्रतिरोध ना हो गया। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो गया, लेकिन प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाएगा जो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे से? ओम मीटर हो जाएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनमो से आपका एसी भी निकलता है और डीसी भी निकलता है ना, तो एसी डीसी दोनों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से दोनों धारा, एसी धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा भी और डीसी धारा भी मतलब डीसी धारा भी। अगला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। देखिए ध्यान से, डेंगू, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ना वह साफ जल में होता है, और एक आपको होता है मलेरिया, ध्यान दीजिएगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला है ना, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वो आपका गंदा जल में, किस जल में, गंदा जल में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए आपका ये लकड़ी बायोगैस ईंधन का स्रोत है, ये गोबर गैस ये तो बायोगैस तो है ही, कोयला भी बायोगैस है, लेकिन आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है वह कौन सी धातु है। देखिए प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला था, क्या था? ऑप्शन वाला था। और यहां से हमारा जो ग्रुप जो ए जो है यह क्वेश्चन आपका एक नंबर में सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है ना, उसका आपको आंसर देना था, ठीक है ना। तो इसको हम क्या किए, क्वेश्चन लिखकर इसमें हम ऑप्शन भी दे दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन एक्चुअली में आपका ना ई वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ 20 को ऑब्जेक्टिव आपका 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद यह जो आपका अगला जो हमारा है या ग्रुप ए जो है यह आपका क्वेश्चन पता है क्या है, वह एक नंबर या क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको आंसर देना पड़ता था। लेकिन अभी का पैटर्न तो चेंज है, 2023 का पैटर्न चेंज है कि आपको ना 80 को क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 40 को आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो सवाल है कि वह कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, धातु तो आपका हो जाएगा सोडियम। बच्चों सोडियम को जो है ना चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी बात क्या होता पता है, सोडियम को जो है ना सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, किसको, सोडियम को। और सोडियम का संकेत जो होता है वो Na होता है, तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है, किसका, सोडियम का। और दूसरी बात ये पारा जो है ना बच्चों, ये पारा जो है, परा एक ऐसा पदार्थ, ऐसा मतलब धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो आपका हो जाएगा परा। यदि वही क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तब आपका हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हीरा, देखिए बच्चों हीरा जो है यह आपका सबसे कठोर पदार्थ होता है और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है आपका 2.42 होता है। चलिए आगे बढ़े, हीरा किस तत्व का अपरूप है। देखिए बच्चों हीरा जो है ना यह आपका कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, इसे मुख्यतः आपका 2 ही अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट होता है। लेकिन आपको आज हम बता देते हैं पूरा क्लियर से कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन। एक आपका होता है ये जो था, क्या था, हीरा था, है ना। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमारा है ग्रेफाइट, जो कि आप लोग को पता है ग्रेफाइट, ये आप लोग को पता है, लेकिन शायद देखो आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो अच्छी बात है। तीसरा जो है वो हमारा क्या, फुलेरिन है, फुलेरिन। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक हीरा जो कि आप लोगों को पता है, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद फुलेरिन। ये ग्रेफाइट जो है ना एक हमारा अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें करंट जा सकता है, किसमें, ग्रेफाइट में। और हीरा तो सभी को पता है, हीरा क्या हमारा एक कठोर पदार्थ है, क्या है, हीरा हमारा एक कठोर पदार्थ है और हीरा का अपवर्तनांक हमारा 2.42 होता है। और ग्रेफाइट जो है ना एक क्या है, विद्युत का सुचालक है, या अधातु है, अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व है। तो आवर्त सारणी का शून्य वर्ग का तत्व आपका तो आर्गन सब हो गया, जो कुछ होगा आपका था, और प्रथम वर्ग का जो तत्व होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के पहले ही आपको मतलब वर्ग में मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा, शुरू में ही मिल जाएगा, ऊपर में। हाँ तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वह लोह ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, वो लोह ऑक्साइड बनेगा। अगला है कि हरे पौधे किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होता, यानी कि जितने हरे पौधे होते हैं किस घटक के अभाव में जो है ना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, वह घटक हमारा है क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसा पत्ती में तत्व होता है जो कि पत्ती का रंग हरा होता है, और इसी से प्रमाणित होता है कि पत्ती का रंग जो हरा भरा होता है ना, उसका यह होता है उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर यह नहीं रहेगा ना तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चलिए दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिनेप्टिक द्रार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। मनुष्य के चीनी पाचन में ना आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इसलिए कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। और एक आपको क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है आपका कि आयोडीन की कमी से, मतलब आयोडीन नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह आपका हो जाएगा घेंगा रोग, इसको हम लोग गलघंट कहते हैं, ग्वाइटर रोग भी इंग्लिश में उसको कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों
कि मनुष्य की कोशिकाओं में गुण सूत्र की संख्या क्या है। तो देखिये मनुष्य की कोशिका, देखिये ऐसे तो हम लोग को पता है कि जितने हम लोग का शरीर है, जितने जीव जीव जिंदा है, मतलब हम लोग मानव सब जो है, हम लोग का शरीर कोशिका का बना होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में गुण सूत्र की संख्या की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों गुण सूत्र की संख्या की बात करेंगे तो गुण सूत्र हमारा होता है 46। यदि जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा गुण सूत्र होता है। एक जोड़ा में दो गो होता है, 23 में 46 हो जाएगा। तो गुण सूत्र कितना होता है हमारा? 46 होता है, ठीक है। जोड़ा पूछता तो हमारा क्या होता है? 23 जोड़ा होता, ठीक है ना। लेकिन पूछा संख्या कितना है तो 23 दुनी हो जाएगा 46। दूसरा बात यदि पूछेगा, बताइए कि पुरुष गुण सूत्र का नाम बताइए, पुरुष गुण सूत्र कौन कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष गुण सूत्र हमारा एक्स और वाई होता है, और स्त्री गुण सूत्र जो है ना, स्त्री गुण सूत्र वह क्या है? वह एक्स और एक्स होता है। और एक खास रहस्य बात आपको हम बता देते हैं, जब पुरुष का गुण सूत्र एक्स और स्त्री का गुण सूत्र एक्स आपस में मिलता है तो एक्स और एक्स युग्मनज का निर्माण होता है, और यहां से संतान जो बनेगा वह क्या बनता है? वह लड़की बनती है, ठीक है। यदि वही यदि पुरुष का गुण सूत्र वाई महिला का गुण सूत्र एक्स से मिलेगा, यहाँ पे युग्मनज आपका एक्स वाई होगा, और यहाँ पर जो संतान बनेगा, जो जन्म लेगा, वह उत्पन्न संतान जो होगा वह क्या होगा बच्चों? लड़का होगा। क्या होगा भाई मेरे? लड़का होगा। क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, ठीक है। ओम के नियम में आपका ताप का मान बच्चों अचर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम दूरी बोलेगा तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यदि वही क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, अधिकतम दूरी पूछेगा ना प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, निकट दूरी जो है ना, निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु जो वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु जो है वो हमारा क्या होता है? इनफिनिट होता है, यानी कि अनंत होता है। और निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो दूरी देख रहे ना आप, इसका नाम है दृष्टि परास। दृष्टि परास याद रहेगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। चलिए अगला हमारा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन गैस होता है, इसका सूत्र होता है CH4 मीथेन का। अगला है, चलिए हमारा ग्रुप बी में आ गया। बी में हमारा वही एक नंबर में पूछा गया था, इसको हम ऑब्जेक्टिव में तब्दील कर दिए हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तब्दील का मतलब हुआ कि इसको हम ना ऑप्शन इसमें लगा दिए। अब एक नंबर यहाँ पूछा गया तो उसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें आपको हम ऑप्शन लगा दिए ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम में ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे कठोर तत्व क्या है? तो आपसे पता है हीरा है। हाँ, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर तो हमारा होता है शुद्ध जल में, यानी कि साफ जल में। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह किस में होता है? गंदा जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। पहले थोड़ा आपको समझा देते हैं कि प्राकृतिक चयन क्या होता है। फिर बच्चों प्राकृतिक चयन उसको कहते हैं जिसे अभी हम लोग यंगर हैं, यंग है, तो अभी हम प्रकृति में रह सकते हैं, यहाँ के ठंडी गर्मी को सह सकते हैं, अर्थात प्रकृति ने हमें चुन लिया है कि अभी तुम यहाँ रह सकते हो, आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग का अवस्था 90 साल पूर जाएगा, 80 साल पूर जाएगा, तो पता नहीं हम लोग कौन ठंडी में घुलट जाएंगे। इसका मतलब प्रकृति के अनुकूल मेरा शरीर नहीं रहेगा, प्रकृति के हम लोग प्रतिकूल हो जाएंगे, यानी प्रकृति का जो गर्मी ठंडी है, जो मौसम बदलाव होता है, हम लोग नहीं सह पाएंगे, तो हम लोगों की क्या मृत्यु हो जाएगी। तो प्रकृति चयन का मतलब होता है कि प्रकृति के अनुकूल चलना। अभी हम लोग का जो शरीर है बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, तो प्रकृति के अनुकूल हम लोग आसानी से चल सकते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हम लोग झेल सकते हैं। जब हम लोग का शरीर थक जाएगा तो हम लोग प्रकृति के अनुकूल नहीं चल पाएंगे, और प्रकृति उसे विनाश कर देता है, यानी हम लोग मर जाएंगे। तब दूसरा जनरेशन आएगा, वह भी प्रकृति अनुकूल चलेगा, जब वो भी थक जाएगा चलते चलते तो उसका विनाश हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रकृति चयन का सिद्धांत। कहते हैं किसने दिया था? तो डार्विन साहब ने दिया था। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है, उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अगला है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हमारा इष्ट में होता है।
हाँ, अगला है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक हमारा कूलम होता है, और देखिए वोल्ट जो है ना, वोल्ट ये वोल्ट है, वोल्ट जो है हमारा विभव का मात्रक है, विभव अथवा विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये ओम जो है पहले बच्चों प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और जूल जो है या कार्य का मात्रक जूल होता है, या बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। अगला है एक ओम और दो ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। क्या दिखा पा दिया गया 6 वोल्ट, तो वोल्ट का मान कितना दिया है, 6 दिया गया है। और क्या निकालना है, धारा मतलब आई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं आर, तो हमारा हो जाएगा 1+2 हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। तो आई बराबर आपको जैसा भी बताए थे कि वी बटे हमारा आर होता है, तो वी का मान हमारा 6 हो गया, प्रतिरोध 3 हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, 6, यानी कि 2 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि जब 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 6 वोल्ट की बैटरी से मतलब पावर से, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगा कितना होगा, 2 एम्पियर का करंट उसमें जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। यह आपका होता है बी बराबर आई बट्टे आर, सॉरी आई बराबर बी बट्टे आर होता है ना, अभी जस्ट बताए थे। तो देख इसमें है आई बराबर बी बट्टे आर, तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी। अगला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, तो आपका आगे ना पहले डेंगू था, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह साफ जल में बिल्कुल स्वच्छ जल में रहेगा, लेकिन मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना, मलेरिया से मैला जल हो गया मतलब गंदा जल में रहेगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर रहेगा गंदा जल में, और डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर रहेगा वो किसमें रहेगा, वो साफ जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो ना सबसे ऊपर में पाया जाता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है। अगला है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपका 3 परमाणु होता है। अगला है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो वर्ग हमारा होता है 18। यदि क्वेश्चन पूछे कि आवर्त कितने होते हैं, आवर्त सारणी में बच्चों आवर्त आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पूछेगा वर्ग कितने होते हैं, गुरु जी आपको मार दे 18 वर्ग। आ जाइए अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। कौन सा है, अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व कितने होते हैं, 6 होते, आपको बताया था शुरू में ही, अक्रिय तत्व कितने होते हैं, अक्रिय तत्व 6 होते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की संयुक्ता क्या है, क्लोरीन का संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या इसका हो जाएगा कितना, 17। तो जोड़ देते हैं 2, 2, 8, 10, 10, 7, 17, 1 मिलेगा तो क्या कर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा, इसका मतलब हुआ कि आपका हो जाएगा +1 संयुक्ता। अगला है कि हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है भोजन यानी ग्लूकोज, 6H12O6 होता है, C6H12O6 मेरा हाइड्रोकार्बन है। अगला है कि पादप में फ्लोयम संवाहक होता है, देखिए पौधा में ना दो ऊतक होता है, पौधों में दो ऊतक होते हैं, कौन कौन, एक होता है भैया जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोयम। ध्यान दीजिएगा इस जाइलम का काम केवल है पौधों में पानी का संवहन करना, केवल पानी को पहुंचाएगा, ठीक है। अब फ्लोयम का काम क्या है, या भोजन का परिवहन करना, भोजन का मतलब हो गया खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। तो पादप में फ्लोयम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन के लिए होता है। अगला है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, या होता है एंडोडर्म के द्वारा होता है, किसके द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा होता है। अगला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उत्तल में वस्तु का छोटा बनता है, और समतल में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला है 2 डॉप्लर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, मतलब इसका क्षमता पावर जो है वो आपको 2 डॉप्लर दिया गया है, निकालना है फोकस, तो एफ बराबर होता है 1/P, तो 1/P, पी का मान तो यह डॉप्लर हमारा मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कर देंगे तो 50 में कितना हो जाएगा, 100 हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है ना उसका अवतल लेंस से किया जाता है, किस लेंस से, अवतल लेंस से। और वही बात करेंगे कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो दूरदृष्टि आपका उत्तल लेंस से किया जाता है।
अगला हमारा है इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, तो सभी को पता है इंसुलिन, तो उससे होता है मधुमेह रोग। और आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, वो हमारा होता है घेंगा रोग, जिसको ग्वाइटर रोग कहते हैं, गलघंट रोग कहते हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत हीटर जो है ना वो गर्म होता है ना, वह ताप ऊष्मा प्रभाव, वह ताप छोड़ता है, हीटर क्या करता है वह ताप छोड़ता है, गर्मी छोड़ता है, ऊष्मा छोड़ता है। अगला है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की धारा होती है, वो आपका होता है दिष्ट धारा होता है, डीसी करंट होता है। अगला है कि नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है, तो नमक तो सभी को पता है NaCl सोडियम क्लोराइड होता है हमारा, तो सोडियम क्लोराइड NaCl हमारा हो जाएगा। अगला है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है, देखिए दूध से दही बनना लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, यानी कि वह अभिक्रिया जो एक बार बन जाए पुनः वह घूम के उस अवस्था में ना आए, तो ऐसे अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इससे दूध से दही बन जाएगा, फिर दही से तो दूध बनेगा नहीं, यानी वो लौट के वापस नहीं आएगा, तो वह अभिक्रिया जो एक बार बन जाता है दोबारा लौट के वह अपना फिर से मतलब पूर्वता अवस्था में नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दूध से दही बनेगा तो दही से दूध नहीं बनेगा, हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संतुलित प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि 1/R बराबर आपका होता है 1/R1 प्लस होता है 1/R2, तो 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 1/R बराबर 6 × 3 = 6 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 1/R बराबर आपका हो जाएगा 3/6, 3 × 3 = 3 × 6 आपका हो जाएगा, इसको पलटाएंगे तो R हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा बच्चों, 2 ओम, ये बात समझ रहे हैं ना, ये सूत्र था हमारा। अगला है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, कौन है वो हमारा है क्या, सौर ऊर्जा। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जब ताप का शोषण होगा ताप उसमें आएगा उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा का शोषण होगा। अगला है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है ना वह स्वपोषी के लिए जरूरी होता है, जैसे कि पेड़ पौधा सभी स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी होता है। अगला है कि नियंत्रण एवं चेतना जैसी क्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है, यानी कि सोचना समझना है ना, कुछ चीजों को याद रखना, यह सब क्रिया कहां पे होता है, हमारा दिमाग में होता है, यानी कि ब्रेन मस्तिष्क में होता है। आप लोगों को पता है ना हमारा मस्तिष्क जो है यार 3 भागों में बटा होता है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, लास्ट वाला पश्चिम मस्तिष्क। अगला है कि पराकोष के मध्य में क्या रहता है, तो पराकोष में पराकण होता है, पराकोष में पराकण होता है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, इसमें इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, यदि आप लोग को याद है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर मिलेगा हमें, और अगला क्लास में उसका जो हम नाम भी लेंगे जो जो आंसर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे, अगले मतलब ईयर का क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे, हमारा 2011 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद वंदे मातरम।